बस भैया बस 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 चलो 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 ये अरे बस बस सुमनता बस शोर मत करो सुमनता शोर मत करो यहाँ अस्पताल है कुछ सुन लेगा बहुत दर्द हो रहा है ओए माँ शोर मत करो अरे तुम्हें दर्द होता तो पता चलता शोर ना कर आ जाओ बस अब आ गए अस्पताल हम लोग एक मिनट रुकिए अरे भैया रुक नहीं सकते अभी जरा जल्दी है चलो चलो बस बस अब तो अस्पताल आ गया डॉक्टर मिल ही जाएगा चलो चलो अरे कहाँ जा रहे हो कहाँ ना रुकिए क्या है इसमें इसके अंदर क्या है तो डॉक्टर ही बताएगा अगर लड़का हुआ ना तो लड्डू जरूर खिलाऊंगा आपको मैं अरे बस तुम भी तो ज्यादा ही चलो 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 कहाँ चले जा रहे हो जाँच तो करने दो हमें आप जाँच करेंगे इसकी अरे आप होते कौन है जाँच करने वाले इसकी जाँच तो डॉक्टर करेगा ना क्या है क्यों शोर मचा रहा हाँ जानते नहीं हो ये हॉस्पिटल है धीरे बोलो जांच में करवा रहा है अरे तुम होते कौन हो जांच करने वाले तुम यहाँ के डॉक्टर हो कि कंपाउंडर हो आला कहाँ है तुम्हारा और तुम्हारा थर्मामीटर कहाँ है होते कौन हो तुम मेरे पास मेटल डिटेक्टर है तो मेटल डिटेक्टर से तुम मेरे बच्चे की जांच करोगे बच्चे की नहीं जच्चा की जांच करेगा जच्चा की जांच करोगे हाँ देखेंगे ना अंदर बच्चा ही है या फिर क्या हाँ आजकल लोगों का भरोसा नहीं है ना बम बम छुपा कर लाते हैं ऐसे तुमने मेरे बच्चे को बम कहा तुम्हारा मतलब है इसके अंदर बम है अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को बम कहने की तेरी हिम्मत कैसे हुई मैं बम मार दूंगा तेरे को हिम्मत कैसे हुई तेरी धीरे बोलो ये हॉस्पिटल है कहाँ ना अभी हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरे बच्चे को बम कहने की तो चेक करने दो ना फट जाएगा वरना क्या बॉम्ब बॉम्ब नहीं है बच्चा है हाँ बॉम्ब नहीं है तो डरते क्यों हो चेक करने दो ना देखो चेक करने दिया तो ठीक है नहीं करने दिया ना तो दो बातें हो सकती है या तो इसमें बॉम्ब होगा या तो नहीं होगा नहीं हुआ तो ठीक है मगर होगा तो दो बातें होगी या तो ह्यूमन बॉम्ब होगा या तो कोई दूसरा बॉम्ब होगा ह्यूमन बॉम्ब हुआ तो ठीक है साथ में तुम भी मर जाओगे मगर दूसरा हुआ तो दो बातें होगी या तो वो रिमोट बॉम्ब होगा या तो टाइम बॉम्ब होगा रिमोट बॉम्ब हुआ तो ठीक है मगर टाइम बॉम्ब हुआ तो दो बातें होगी या तो टाइम पे फटेगा या तो नहीं फटेगा नहीं फटा तो ठीक है मगर टाइम पे फटा तो दो बातें होगी या तो उसका धमाका धीरे से होगा या तो जोर से होगा धमाका धीरे हुआ तो ठीक है मगर जोर से हुआ तो दूसरे सारे पेशेंट्स को तकलीफ होगी क्यों दूसरे पेशेंट्स को तकलीफ देना चाहते हो चेक करने दो ना ठीक है मैं खुद चेक करूंगा ठीक है बाबा दे दो डिटेक्टर इसको दे दो बस 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 आ गए तो बैठ बैठ बस हाँ यहाँ बैठ जाओ तुम मैं जरा डॉक्टर से मिलके आता हूँ एक घंटा हो गया लाइन लगाए हुए इनका सही ये नहीं है अरे कोई शोर नहीं मचाएगा ये अस्पताल है मच्छी मार के नहीं है कोई शोर नहीं मचाएगा हाँ बोलिए आपका क्या मुझे डॉक्टर शुक्ला से मिलना है मेरे बेटे ने चवनी खा ली है डॉक्टर शुक्ला बिजी है कोई भी चलेगा बस किसी भी तरह मेरे बेटे की चवनी निकाली है पेट से अरे कंजूस आदमी हो यार चवनी के लिए मरे जा रहे हो चलो हटो जी वार्ड में है ना यार कहां घुसे जा रहे हो चले मेरा नंबर है भाई साहब मुझे बहुत जल्दी तुम्हें अर्जी बात कोई नहीं ओए लाइन में लाइन बस लाइन में चलिए लाइन इधर ही आप मेरी बीवी बहुत तकलीफ में है पहला आदमी देखा है जिसकी बीवी तकलीफ में है लंच ब्रेक एक घंटे के बाद आना अब देखिए 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 भाई साहब मेरी बीवी जो है ना उसके बच्चा होने वाला है भाई इसमें कौन सी नई बात है सबकी बीवी के बच्चा होता है बीड़ी है बीड़ी चलिए लंच ब्रेक है कुछ खा के आइए जाइए पांडे बीड़ी पिलाना पटेल औकात में रहकर बात कर तेरे से कितनी बार कहा है मैं वार्ड बॉय हूँ वार्ड बॉय हॉस्पिटल का डॉक्टर नहीं जो मुझसे पांडे के पांडे जी कहा कर नाराज क्यों होते पांडे जी बीड़ी पिलाइए ना शाबाश पांडे जी वो मेरी बीवी नहीं बीड़ी नहीं मेरी बीवी वो मेरे पास नहीं है वो मुझे मालूम है आप बस डॉक्टर उषा के लिए एक पर्ची बना दीजिए देखिए एक घंटे बाद आइए अभी लंच टाइम है एक घंटे में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी मेरी बीवी तो आप हमें खाना खाने देंगे या नहीं नहीं आप खाना कहाँ खा रहे हैं एक मिनट की बात है बस मैं डाइटिंग पर हूँ लेकिन एक मिनट की बात है अरे रुको ना एक मिनट खड़े रहो वहाँ पांच मिनट करते हैं आधे घंटे में रुको एक मिनट रुको जाओ 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 कितना खून बेचा 30 बोतल हो गया है मार्केट डाउन चल रहा है ना स्टोर में तो कुछ है नहीं हां वो ज्यादातर शुक्ला ही डायरेक्ट खा जाता है कॉटन के बंडल घर ले जाता गड्ढा बनाएगा क्या अरे भाई साहब एक पर्ची बना दीजिए आपको पाइल्स है क्या नहीं तो
तो वहाँ कोने में खड़े नहीं रह सकता? परेशान करके रखा? अरे परेशान मैंने करके रखा है, आपने करके रखा? फाइल होगी आपके मुंह के अंदर। तब से बकर बकर किए जा रहे हैं आप लोग। यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं कि यहाँ पे बातें करने के लिए आते हैं? अभी लंच टाइम है। अरे तो खाना क्या खा रहे हैं आप लोग? अरे खा रहे हैं ना, खाने की बातें खा रहे हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है खाने की बातें खा रहे हैं? दिमाग मत खराब करिए मेरा, एक घंटे बाद आइए, जाइए यहाँ से। पर्ची नहीं मांग सकता ना, पर्ची तो आप ही से मांगूंगा ना, आप ही हमारे माई बाप हैं। प्लीज एक पर्ची आप अगर मुझे बना देंगे तो पर्चा मैं आपको दे दूंगा। अच्छा तो पहले क्यों नहीं बताया आपने? दिमाग खराब करके रखा। मेरा किससे मिलना? जी डॉक्टर उषा से। इटीना कैसा है? बहुत ही सुंदर है, सोने का है? नहीं मेरा है। नहीं मैडम, मेरे पूछने का मतलब था कि गोल्ड का है। नहीं तो क्या ग्लूकोज की तरह नकली है? सास का है। उन्होंने दिया? दिया नहीं, मैंने उड़ा लिया। क्या हर चीज मेरी ननद को देती रहती है, मेरी नजर इस पर थी, मैंने उड़ा लिया। लेकिन अगर उनको पता चल जाएगा तो? कैसे पता चलेगा, उनकी याददाश्त थोड़ी कम हो गई है। कैसे? क्या हुआ, कुछ दिन पहले गांव गई थी तो एक गधी ने। मैडम मैडम ये मेरी पत्नी है। एक मिनट मैं इनसे बात कर रही हूँ, एक मिनट। वो क्या हुआ? हाँ क्या कह रही थी मैं? गधी। आप गधी? वो गांव में गए, चल रही थी मेरी सास आगे, गधी थी मैडम। प्लीज ओहो एक मिनट रुक नहीं सकती क्या? दिखाई नहीं देता मैं इनके साथ बात कर रही हूँ। क्या कह रही थी मैं? गधी। तो सास थी पीछे, नहीं सास थी आगे, गधी थी। मैडम ये आपको सुनाई नहीं देता, मैं गधी की बात सुन रही हूँ। छोड़ो छोड़ो, हाँ बोलो क्या है? जी ये मेरी पत्नी है, मैं इनको यहाँ अस्पताल में ले आया हूँ। इनके दर्द उठा है। शोर नहीं बिल्कुल, ये हॉस्पिटल है। फाइल लायो। जी अरे लेकिन इनकी डिलीवरी डेट तो 10 दिन के बाद की है, उनको यहाँ पहले क्यों ले आए? जी इनके दर्द पहले उठ गया ना, इसलिए पहले ले आए। लेकिन जब मैंने यहाँ लिखा है कि 10 दिन के बाद डिलीवरी हो जाएगी तो दर्द पहले कैसे उठा? मैडम लेकिन दर्द उठ गया तो इसीलिए लेके आया ना। हो सकता है ये बदहजमी हो, डिलीवरी पेन ना हो। मुझे तो लगता है गैस भर गई है। क्यों? हाँ हो भी सकता है। आपने रात को कुछ खाया था? नहीं नहीं कुछ नहीं खाया था। इसके लिए तो गैस भर गई ना। खाना खाया था ना तो गैस भरेगी। रिपोर्ट कार्ड? जी उसी के अंदर। ये जो रिपोर्ट्स है, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये सब कहाँ किए थे आपने? जी इसी अस्पताल में। यही तो, मैंने हजार बार आप लोगों से कहा है कि आप मेरे प्राइवेट नर्सिंग होम में आके चेकअप करवाइए, लेकिन नहीं आप लोग सुनते नहीं। आपको लगता है कि मैं पैसे ज्यादा लेती हूँ? देखो मुझे इन रिपोर्ट्स पर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है। वो क्या है, इस हॉस्पिटल की जो लैब है ना, वहाँ का पानी और यूरिन एक के बराबर है। आप एक काम कीजिए, शाम को मेरे प्राइवेट नर्सिंग होम में आ जाइए, वहीं पे हम चेकअप करवा लेते हैं। मैडम शाम तक तो हो सकता है कि बहुत देर हो जाए, आप एक बार चेकअप तो कर लीजिए प्लीज। अरे लेकिन अभी चेकअप करके कुछ फायदा नहीं है, डिलीवरी डेट 10 दिन के बाद है, मैंने आपको कहा ना। मैडम हो सकता है यहीं पे हो जाए, आप प्लीज चेकअप कर लीजिए ना। अच्छा अच्छा ठीक है, उनको यहाँ लेटा दीजिए। तुम घबराना मत। मैडम इसको इंजेक्शन मत लगाना, इसको इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। ठीक है बाबा आप आगे चलो। जी मैंने कह दिया है कि वो तुम्हें इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, घबराना मत तुम, मैं यहीं बाहर हूँ। मैडम हाँ हाँ तुम जाओ। अच्छा जरा ये लॉक तो खोलो। ओ, आप भी? ओए माँ। अकेली? ओए माँ। पति साथ है? ओए माँ। कहाँ है? ओए माँ। नहीं है, भाग गए। वो क्या? कोई नुकीली चीज। नुकीली चीज क्या? जैसे चाकू। चाकू क्यों? सवाल मत कीजिए प्लीज। मेरे पास चाकू नहीं। अरे भाड़ी जी आपका चाकू है? क्यों? अरे आप सवाल मत कीजिए, डॉक्टर साहब को चाहिए। ये चलेगा? मैं काम आऊं क्या आपके? ये चाकू क्यों मंगवाया इन्होंने अंदर? चाकू को क्या करेंगे? क्या करते हैं चाकू से? क्या? अरे भगवान मेरी सुमन लता की रक्षा करना। सुनिए
वो क्या? पेच का स्क्रू ड्राइवर। ये चलेगा? अरे पांडे जी, ये पेच का स्क्रू ड्राइवर से क्या करते हैं? क्या करते हैं स्क्रू ड्राइवर से? क्या? ओए माँ। हे भगवान, मेरी सुमन लता की रक्षा करना। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आपके पास वो होगा जिसे पकड़ के खींचते हैं? वो पकड़ प्लास। पांडे जी जरा प्लास दीजिए। जानते हो क्या करते हैं पकड़ से? हाँ हाँ, पकड़ से पकड़ के खींच। क्या हुआ डॉक्टर? कुछ नहीं, जल्दी से जाओ और एक हथौड़ा लेकर आओ। हथौड़ा? हाँ। हथौड़े से क्या करेंगे आप? सुमन लता ठीक तो है? वो ठीक है, उसे अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मेरा बैग नहीं खुल रहा है। पांडे जी जरा हथौड़ा दीजिए ना। चलो चलो पांडे, मेरा बैग खोल दो जल्दी। पांडे जी जरा जल्दी से मेरा बैग खोल दीजिए। चलिए। क्या हुआ टीना, खुला कि नहीं बैग? नहीं, कोशिश तो करो। पांडे जी जरा देखिए ना जल्दी प्लीज। मैडम जल्दी। हाँ। मेरी पत्नी तो ठीक है ना? ठीक है, पर वो ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करना पड़ेगा? हाँ। ऑपरेशन करना जरूरी है। वो क्या है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं है ना। तो ऑपरेशन कौन करेगा? डॉक्टर भाटिया। डॉक्टर भाटिया मिल गई। डॉक्टर, बीमारी मिल गई? हाँ मिल गई, एकदम ठीक है, फर्स्ट क्लास। भगवान आपका भला करे और आपको बहुत बहुत तरक्की दे। क्या करते हैं? बड़ा डॉक्टर है, मिटा देता हूँ। आप क्या करते हैं डॉक्टर साहब? मिली? हाँ मिली, राइट में मिली। तुम लेफ्ट लेफ्ट कर रहे थे तो मैं लेफ्ट में ढूंढ रहा था। ये तो अच्छा हुआ मेरी अंगूठी राइट में गिर गई तो वहाँ मिली। और अंगूठी? अरे बाप रे, अंगूठी तो निकाली नहीं। तुम एक और ऑपरेशन करोगे उसका? नहीं नहीं नहीं, जाने दो, अंगूठी ज्यादा महंगी वाली नहीं थी, वही पड़ी रहने दो, भूख लगी। टीना, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ऑपरेशन से पहले मरीज को खुद में खाने दिया करो। नहीं दिया था सर, उसने कुछ भी तो नहीं खाया था, आपकी कसम। यार कुछ भी नहीं खाया था, अरे रसगुल्ले खा गया था वो। तुम्हें कैसे पता? अरे सब दिखता है भाई, ऑपरेशन करते वक्त अटेंशन डाइवर्ट होती है। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ शुक्ला, जरा पांडे को बेल मारो यार। पांडे आ गए। अरे जाओ नीचे से कचोरी और रसगुल्ले पकड़ के लाओ। जी आप कौन है? पांडे कहाँ है? जी मेरे बीवी के बच्चा होने वाला है, उसका ऑपरेशन करना है। आप डॉक्टर भाटिया है ना? हाँ हाँ मैं भाटिया हूँ, लेकिन ये तो दो नंबर वाले के थर्मामीटर लगा के भूला ही चिल्ला रहा। ओह नो, कहाँ लगाया है तुम थर्मामीटर? पांडे जी मंगाया खाने को, वेट करिए। देखिए मेरी बीवी दर्द से तड़प रही है, आप प्लीज उनका ऑपरेशन कर दीजिए। दो मिनट यार, इतनी भूख लगी हुई है, कुछ खा लो। इधर आके बैठो, इधर आओ। पांडे तब तक इनकी बीवी को समोसे चढ़ा दो। हाँ जी, ग्लूकोज चढ़ा दो। हाँ बीवी जी, बाहर बेंच पे लेटी हुई है। नाम? मुसद्दी लाल माथुर। ये बीवी का नाम? नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरा नाम है, बीवी का नाम है सुमन लता। सुमन लता दो हैं? अभी तक तो हम दो ही हैं। और दोनों के हैं? मेरे कैसे हो सकता है? अरे वो हम देख लेंगे भाई। पांडे जल्दी जल्दी यार, मैं ग्लूकोज लगवा के आता हूँ। सुनिए भाई साहब, इधर आइए, जरा ये फॉर्म पे साइन कर देंगे। हाँ जी। ये क्या है कि मतलब आपकी बीवी अगर मरमुरा गई तो? मरे भी नहीं, बस एक फॉर्मेलिटी आई ना, हम आप बिल के बन गए। आइए सर। अरे आओ पटेल आओ। ये मरीज आजकल बहुत चालाक हो गया, असली माल ना सब छुपा के रखते हैं। प्राइवेट वार्ड से चुरा के लाया हूँ मैं। अरे भाई एकदम कश्मीरी सेब है भाई साहब, आप लेंगे? जी नहीं शुक्रिया। तबीयत ठीक नहीं लग रही है आपकी? मेरी बीवी को कुछ होगा तो नहीं ना? अरे इतना परेशान क्यों हो रहे हैं भाई, पहली बार बाप बन रहे हैं क्या? जी। ओहो तभी तो, घबराइए मत, हमने बहुतों को बाप बनाया है, आपको भी बना देंगे, आप बस लड्डू की तैयारी कीजिए। अरे लड्डू क्या डॉक्टर साहब, मैं तो पूरी ही पूरी पार्टी दूंगा। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। अरे पटेल इनका एड्रेस नोट करो भाई। नोट है, नोट है, सही है ना? हाँ बिल्कुल सही एड्रेस लिखा मैंने यहाँ पे। खुश नजर आ रहे हैं यार, कसम उठ जाए मेरे सुबह से, वाकई में खुश है कि नहीं है? अब क्या बताऊं डॉक्टर साहब, मैं तो इतना खुश हूँ कि मेरा दिल जो है ना वो बस धक धक कर रहा है। जी एक मिनट, क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है पटेल, हाथ पकड़ो। क्या हुआ क्या है? अरे कुछ नहीं, एक बीपी लेते हैं आपका बस। पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में डाल दिया। अरे मेरी बीवी को ऑपरेशन थिएटर में ले गए, मैं उससे एक बार मिलना चाहूंगा डॉक्टर साहब। सुनिए सुनिए सुनिए, एक्साइटेड मत होइए, बैठिए, आपके लिए परेशानी हो जाएगी, बैठिए बैठिए बैठिए। लेकिन मेरी बीवी? अरे घबराइए मत, हम है ना। पांडे पेशेंट को एनेस्थीसिया दे दो। आपको बताया था ना आउट ऑफ स्टॉक है वो। अरे तो क्लोरोफॉर्म सुंगा दो। नहीं है वो भी। अरे एक काम करो, इससे काम चला लो। अरे डॉक्टर साहब मेरी बीवी। अरे मैं यूं गया और यूं बच्चे को लेकर आया, घबराइए मत। शुक्ला इनका पसीना पोछो,
हिस्ट्री जी चेक करो। वही करना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट। अरे डॉक्टर साहब, मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ कि मुझे कोई बीमारी नहीं। अरे ऐसे कैसे, डॉक्टर कौन है? आपकी मैं? नहीं, आप हैं। तो फिर कौन डिसाइड करेगा आप ठीक हैं कि नहीं है? आप। तो हमने ये डिसाइड किया कि आप नहीं ठीक हैं। पता है आपको, आपका ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा, आपका यूरिन टेस्ट करना पड़ेगा, स्टूल टेस्ट करना पड़ेगा आपका, आपका कैट स्कैन करना पड़ेगा, कुछ चीजें हो सकती है, ट्रांसप्लांट करनी पड़े, अबॉर्शन करना होगा, ऑपरेशन करना होगा। किस चीज का ऑपरेशन? वही तो सोच रहे यार, किस चीज का ऑपरेशन करना पड़ेगा। पटेल तू वो छोड़, तू ब्लड टेस्ट कर। ये ब्लड टेस्ट करेंगे मेरा? ये तो यहाँ के स्वीपर हैं। कर दी ना बच्चों वाली बात। अरे जमाना बदल गया, हमारे यहाँ डॉक्टर स्वीपर सब एक समान होते हैं। पर ये, अरे चिंता मत करिए ना, कईयों का खून निकाला है मैंने। चलिए चलो, हो गया, चलो उठो। अरे छोटे से टेस्ट के लिए इतना खून क्यों निकाल लिया? सेफ्टी सेफ निकालना पड़ता है। अंग्रेजी नहीं समझते क्या? कहीं कम ना पड़ जाए इसलिए ज्यादा निकाला है। देखो ज्यादा हुआ ना तो ठीक है, कम पड़ गया तो दो बातें होंगी, या तो आपके टेस्ट होंगे या तो नहीं होंगे। टेस्ट हुए तो ठीक है, मगर नहीं हुए तो दो बातें होंगी, या तो आपकी बीमारी का पता चलेगा या तो नहीं चलेगा। बीमारी का पता चला तो ठीक है, मगर नहीं पता चला तो दो बातें होंगी, या तो आपका इलाज होगा या तो नहीं होगा। इलाज हुआ तो ठीक है, मगर नहीं हुआ तो दो बातें होगी, या तो आप ठीक होंगे या तो मर जाएंगे। ठीक हुए तो ठीक है, मगर मर गए तो क्या ये बॉटल साथ ले जाएंगे? क्यों बहस कर रहे हैं? क्या बेचने वाला हूँ इसे मैं? चलो रिपोर्ट लेने कल आ जाना। मेरी पत्नी कहाँ है? ऑपरेशन थिएटर में। ऑपरेशन थिएटर? अरे अरे मुबारक हो डॉक्टर साहब, मुबारक हो। क्या हुआ? क्या हुआ? वो तो मेरी बीवी के। अरे कुछ था भी था तुम्हारी बीवी के? कुछ नहीं था, कोई बच्चा बच्चा नहीं था। मैदान साहब क्या आदमी हो यार, कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरी बीवी के पेट में बच्चा था। बच्चा कहाँ है? बच्चा कहाँ है? आप अस्पताल में हैं? अरे वहाँ क्या है अस्पताल? सुनवाई नहीं तुझे, मेरा बच्चा कहाँ है? और मुझे क्या बताया? अपनी जीजी से पूछो। ये लो। अरे ये रो क्या? ये मेरी बीवी नहीं है। अरे भाटिया साहब, ये औरत अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराने आई थी, आपने डिलीवरी करा दी है? तो ये आपकी पत्नी नहीं है जी? तो किसकी पत्नी है? अरे मुझे क्या पता किसकी पत्नी है, मेरी पत्नी कहाँ है? सुमन लता कैसी हो तुम? अरे कैसे पति हो तुम? अपनी बीवी को यहाँ छोड़ के कहाँ चले गए थे? आपके बच्चे को बीवी हो गई है। मेरे बच्चे को बीवी हो गई है? नहीं, 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 मेरा मतलब है आपकी बीवी को बच्चा हुआ है भाई, तो लड़का हुआ है। अरे पार्टी कहाँ है, लड्डू कहाँ है भाई? बस अभी लेके आता हूँ लड्डू। ये रहा आपका बिल। कैसा बिल? 10,000 रुपए का। 10,000 रुपए? लेकिन मेरी बीवी का तो ऑपरेशन ही नहीं हुआ, उसकी तो डिलीवरी यही हुई है सबके सामने। ना 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 ना, ना आपकी पत्नी की डिलीवरी का बिल नहीं है सर। अरे तो फिर किस चीज का बिल है? ये उसका बिल है जो हमने आपका अंदर कुछ चेकअप किए थे ना, उसका। अच्छा क्या?